एवरीवन, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 11। ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। देखो कैसे इसको सोल्व करना। अगर अगर एक्स वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मालूम हो, अगर वो हो एक्स वन ऑफ ओमेगा, एक्स टू सेकेंड फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें मालूम है, अगर वो है एक्स टू ऑफ ओमेगा, अगर टाइम डोमेन में इनका कन्वोल्यूशन है, एक्स वन टी कन्वोल्यूशन एक्स टू टी, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक्स वन ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई एक्स टू ऑफ ओमेगा। यानी अगर हमें दोनों फंक्शन का अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये ओमेगा का टर्म में था। अगर इन टर्म्स ऑफ एफ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को एफ से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे कोई टू पाई का टर्म नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बस इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी आंसर ओमेगा टर्म में पूछता है और एफ के में भी। अगर प्रॉपर्टी पता है तो हम उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। तो एक्स वन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स टू ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दे रखा है। सो इस एक देखो, यहाँ पे टू ई की पावर माइनस थ्री टी कन्वोल्यूशन कोस 60। तो इसका हमसे पूछा गया आंसर क्या होगा। तो इसको देखो, यहाँ पे क्या दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन हो रहा है टाइम डोमेन में, तो हमसे क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों का मैं अलग अलग निकालने में कामयाब रहा तो ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, लेट एक्स वन ऑफ टी को हमने मान लिया टू ई की पावर माइनस थ्री टी। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमें पता, एक्स वन ऑफ ओमेगा टू ई की पावर माइनस थ्री टी का क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता दूं, ई की पावर माइनस ए टी यू टी यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, यू टी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, यू टी होना चाहिए, ई की पावर ए टी यू टी। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसको मैं यहां पर मिटा ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, 1/a+j ओमेगा। वीडियो नंबर टू, ठीक है, वीडियो नंबर टू में मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था। तो यहाँ पे एक ही जगह कितना, तीन, तो इसमें कितना आया, a+3+j ओमेगा। ठीक है, और यानी यहाँ से कितना आ गया, 2/3+j ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा मिल गया मुझे, एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगेन लेट, और एक्स टू टी को मैं मान लेता हूँ क्या, कोस 60। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोस का मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। कोस ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो होता है पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा सॉरी डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ओमेगा नोट की जगह यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, 6, तो इस फॉर्मूले में लगा दूंगा मैं, तो ये कितना जा पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 6, फिर यहाँ पे कोस में प्लस होता है सॉरी, प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 6, ये मिल गया मुझे। अब एक्स वन ऑफ ओमेगा पता है मुझे, एक्स टू ओमेगा पता है। ठीक है, क्या है मेरा एक्स टू ओमेगा। ठीक है, तो बस मुझसे पूछा गया 2e-3t u ऑफ t कन्वोल्यूशन cos 60 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले वाले का आया था 2+3+j ओमेगा मल्टीप्लाई बाय पाई साइन कोस का कितना है पाई डेल्टा प्लस 6 डेल्टा ओमेगा प्लस 6 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 6।
इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सीधा, इसका आंसर कितना आ गया, ये 2e-3tut कन्वोल्यूशन कोस 60 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 2π/3+jω मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओमेगा प्लस 6 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 6, यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी अगर दो फंक्शन कन्वोल्यूशन कन्वोल्व हुए हुए हैं टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही सब इसमें पूछा गया था, इतना ही इसमें बस करना था। ठीक है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं देखने को, फिर भी मैंने ये कवर करना जरूरी था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी ये प्रॉपर्टी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।